दिस इज योर फ्रेंड बिलाल मोहम्मद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज, आज मैं हूँ कर्नाटका एक्वेरियम के सेकेंड ब्रांच में। तो आज मेरे साथ है सैयद भाई की छोटे भाई। क्या बताओगे आज आप? मेरे पास अंगूरा रैबिट और बर्ड्स मिलेंगे मेरे पास। ये अंगूरा रैबिट है, ये अंगूरा रैबिट आप काट के बता सकते हो? हाँ, काट के बता सकता हूँ। क्या प्राइस है इसका? इसका के तो देख सकते हो गाइस, सेम टेडी बेयर जैसा है, अंगूरा रैबिट बोलते हैं इसको। प्राइस क्या पड़ेगा इसका? इसका 19,000 प्राइस है, इसका पैर का 19,000 है। मतलब इसे क्या फीड दिया जाता है? इसको नॉर्मल क्या भी दे सकते हैं, वेजिटेबल भी दे सकते हैं, और इसका अलग से फीड भी आता है वो भी दे सकते हैं। मतलब इसे कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर या कुछ कंडीशन चाहिए क्या रखने के लिए? नहीं नहीं, आराम से रह लेगा, ये आराम से रह लेगा। एज अ पेट आराम से घर में या गार्डन में आराम से खेल लेके इधर उधर घूम लेके रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसे। कुछ कुछ फूड में वगैरह कुछ स्पेसिफिक इतना ही देना है? नहीं नहीं नहीं, आप नॉर्मल ये कितना खा सकता है उतना दे सकते हो, और ये खा के आराम से सोता रहेगा सिर्फ। अच्छा अच्छा ये है। तो इसका कुछ मेडिसिन वगैरह आता है क्या? हाँ, मेडिसिन कुछ नहीं आता इसका, सिर्फ वेजिटेबल दे दो, अच्छा से रह लेगा रह लेगा रह लेगा। इजी टू मेंटेनेंस है गाइस, आप अगर इंटरेस्टेड हो इस पेट को रखने के लिए आप रख सकते हो। जस्ट एक कॉल कर दो उनके लिए तो आप डिलीवरी कर देंगे। हाँ, डिलीवरी करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास? मेरे पास बर्ड्स हैं, जो पिजन्स बोलते हैं ना, पिजन्स बोलते हैं, वो है मेरे पास। यह के 800 रुपीस का पेर है। क्या फ्लाइंग पिजन से? फ्लाइंग पिजन और रेस वगैरह के लिए यूज करते हैं वही पिजन है? वही पिजन है मेरे पास। 800 से स्टार्टिंग प्राइसेस है इसका। 800 रुपीस, हाँ, अच्छा रहा तो उसमें 1000 तक भी है मेरे पास। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड पेर। पेर का प्राइस इतना है। तो इसके लिए फूड वगैरह? इसको नॉर्मली फिट करते हैं, बाजरा और जो रागी बोलते हैं वो फिट करते हैं, चना ये वो सब खा लेगा वो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास और बर्ड्स हैं। ये मेरे पास बर्ड्स हैं जो अफ्रीकन बर्ड्स बोलते हैं। वो तीन चार वैरायटी हैं। स्टार्टिंग आपके आपको 2500 से, लुटीने बोलते हैं उसको, वो 2500 से है। और जो ग्रीन वाले हैं वो 3000 के हैं। जो ग्रीन वाले हैं और जो ये ब्लू वाले हैं वो आके 5000 के हैं। वो 5000 रुपये? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? येलो लुटी, सॉरी ब्लू 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 मस लुटेना, ब्लू मस लुटिनो बोलते हैं उसको। इसको फूड वगैरह क्या देते हैं? बाजरा देते हैं, नॉर्मली जो बाजरा फिट करते हैं वही फिट करते हैं उसको भी। जो लव बर्ड्स को वगैरह फिट करते हैं वही 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 फिट करते हैं। पिंचेस है नेक्स्ट, जावा पिंचेस है। जावा पिंचेस और ये वाइट टॉल, हाँ, उसमें एल्बिनो पिंचेस हैं। और जो ब्लैक कलर के उसको क्या बोलते हैं? सिल्वर जावा बोलते हैं उसको। ओके, हाँ, ये मतलब ये पेर है क्या? हाँ, पेर है वो। ये जो भाई एल्बिनो है वो आके 2500 का है, और वो जो ब्लैक वाला 2000 का है। 2000? अरे छोटा जो नॉर्मल दिख रहा है ये पिंचेस है, ये जिब्रा पिंचेस है। इसमें इसका क्या प्राइस प्राइस पड़ेगा? इसका 550 पड़ेगा, पेर का। हाँ, पेर का, पेर का 550 है। तो इनका मैक्सिमम साइज इतना ही रहेगा क्या, और कुछ बड़ा होगा? इतना इतना ही रहेगा मैक्सिमम साइज। ये एडल्ट है? एडल्ट है, सेमी एडल्ट है, सेमी एडल्ट है, सेमी एडल्ट है पूरे। तो नेक्स्ट क्या? लव बर्ड्स हैं जो बजीज बोलते हैं, वो हाँ वो है। 600 रुपीस का पेर है ये। ये साइज ये एडल्ट है कि सेमी? सेमी एडल्ट है, पूरे सेमी एडल्ट है, सेमी एडल्ट है। ये दोनों भी लव बर्ड ही बोलते हैं इसको, जो बजीज बोलते हैं। 600 रुपीस का पेर है। 600 रुपीस पेर? हाँ, 600 रुपीस पेर है। तो नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? ये पिजन से है, ये थोड़ा बहुत यूनिक। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको लखवा बोलते हैं, हमारे भाषा में लखवा बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में फैंटल बोलते हैं। फैंटल? हाँ, फैंटल बोलते हैं इंग्लिश में, फैंटल बोलते हैं। ये क्या पेर है? हाँ, ये पेर पेर हैं, जो ब्लैक हैं वो पेर हैं। ये जो ब्लैक हैं वो भी पेर हैं, जो व्हाइट में है वो भी पेर हैं। ये क्या कुछ हैंड टेम्ड है क्या? कुछ उड़ेगा नहीं? नहीं 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 नहीं, ये फ्रेंडली रहते हैं ये। एक या दो दिन आपके घर देख लिए तो आपको फ्रेंडली हो जाएगा ये, कुछ उड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, उड़ेगा ऐसा नहीं है। अब इसको इजीली पेट्स के लिए बहुत ईजी ये है, इजी टू मेंटेन है, बहुत इजी टू मेंटेन है।
नॉर्मली बाजरा डाल सकते हैं, नॉर्मली बाजरा ले लेना। नॉर्मली देखो ये बाजरा ये जो फीड देते हैं वही फीड देना पड़ता है उसको। ओके जो ये नीचे जो पिजन ये कौन श्रीराज है, श्रीराज है, श्रीराज बोलते हैं। हाँ श्रीराज है ये, ये 4.5 thousand है ये, श्रीराज है ये, श्रीराज बोलते हैं इसको। ये 4.5 thousand का है। 4.5 thousand क्या, कौन सी कंट्री का है ये क्या आपको बाहर का है ये, जैसे अमेरिका यूएसए इधर उधर पालते हैं इसको, उधर ही बहुत ज्यादा ब्रीडिंग है इसका। तो ये भी बाजरा ही इंटेक कर लेगा। हाँ ये भी उड़ेगा नहीं अगर। नहीं 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 आज ये पेट आपको इसको आराम से रख सकते हैं, इसको भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा है फिर? ये चिकन है, ये चिकन है, स्किन्नी चिकन बोलते हैं। क्या प्राइस पड़ेगा इसका? इसका भी आपको 5000 पड़ेगा। इसको भी बाजरा ही फीट। गिनी पिग है, गिनी पिग 1000 rupees का पेर है। 1000 rupees पेर, पेर 1000 rupees का है। तो ये कैसे रखा जाता है, मतलब इनको केजेस में रखते हैं या जैसे आपको रैबिट कैसे पालते हैं वैसे इसको पालना पड़ता है। बाहर छोड़ सकते हैं, मतलब गार्डन वगैरह हर जगह पे छोड़ सकते हैं इसको भी। क्या फिट ये भी आराम से आपके घर में रह लेगा। फूड क्या लेगा ये आपको? इसको स्पेशली फूड आता है वो देना पड़ता है, उसका ही अलग से फूड आता है। वो आपके पास मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। रैबिट को जो देते हैं वो भी फूड मेरे पास मिल जाएगा, ये देना पड़ता है रैबिट को और गिनी पिग को सबको। और रैबिट के बेबीज हैं 800 rupees का पेर है ये। ये बहुत क्यूट लाइफ फीडिंग लेते हैं वो। लाइफ फीडिंग देना नहीं पड़ता इसको, लाइफ फीडिंग लेते हैं ये। क्या इसका फीड इसको तरकारी भी दे सकते हैं। ओके तरकारी भी दे सकते हैं, कुछ कैसा भी वेजिटेबल दो अब ये ले लेगा। वेजिटेबल हर चीज का वेजिटेबल लेगा। मतलब कितने महीने लगेगा इसे एडल्ट होने के लिए? आपको लग जाएगा एक मिनिमम आपको 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल ब्रीडिंग पेर होने के लिए। प्राइस क्या है बोले इसका? 800 rupees 800 rupees पेर है। ये कौन सा? ये ब्रीडिंग पेर है, उसमें ब्रीडिंग पेर है। ये 1200 सेम यही ब्रीड का है। हाँ यही ब्रीड का है, 1200 है। 1200 अगर की कोई व्यूअर को चाहिए जो आउटसाइड बेंगलोर रहता है तो उसको अगर ट्रांसपोर्ट करके आप भेज सकते हो? हाँ भेज सकते हैं। अभी तो मेरे पास प्रॉब्लम चल रही है बर्ड्स के लिए, अभी तो नहीं भेज सकता। हाँ मेरे पास अभी बुकिंग कर सकते हो, मेरे पास स्टॉक है, बुकिंग कर सकते हो। जब मेरा ये प्रॉब्लम जरा सॉल्व होगा आप कर दोगे? अब मैं मेरे भाई से बोल के मैं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो अभी बर्ड्स इतने बता के है, मतलब अभी इसका केजेस हाँ मेरे पास हर चीज़ का केजस मिल जाएगा। ये देखो स्टार्टिंग केज है, ये स्टार्टिंग प्राइस है इसका 550 rupees है इसका। मतलब कितने इंचेस का है, कितने फीट का है ये? इसका फीट इंचेस नहीं बोल सकते, ये हाउस टाइप में आता है। ये हाउस टाइप बॉक्स टाइप आता है वो आपको मैं बता सकता हूँ। ओके बॉक्स टाइप में जो आता है, देखो ये स्टार्टिंग प्राइस है, ये स्टार्टिंग प्राइस है, ये स्टार्टिंग है, ये है कि वन फीट का स्टार्टिंग प्राइस है ये। तो कितना पड़ेगा इसका वन फीट? इसका आके 650 rupees पड़ेगा आपको। 650 rupees पड़ेगा। उसके बाद का साइज देखो ये है, उसके बाद का साइज ये है 1.5 feet का है। ये आपको 1000 rupees पड़ेगा, 1000 rupees पड़ेगा आपको ये। हाँ उसके बाद का साइज है 2 feet का है, 2 feet का है। तो प्राइस क्या है इसका? इसका 1500 है। 1500 है। ओके तो इसमें ब्रीडिंग डोर्स भी देखिए। हाँ ब्रीडिंग डोर भी देते हैं उसमें। और वो कोकोटो के लिए यूज आती है, ये कोकोटो के लिए यूज आता है ये। जो बड़े एक्सोटिक एक्सोटिक बर्ड्स उसके लिए यूज आता है ये। मकाऊ छोड़ के जो छोटे जो भी रहते हैं उसको रख सकते हैं इसमें। तो कितना पड़ेगा इसका प्राइस? इसका 4000 पड़ेगा आपको। ये भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर दूंगा, ऑल ओवर इंडिया कर सकता हूँ। तो आपका लोकेशन आप बोल सकते हैं एक टाइम? मैं JP Nagar 6th phase में रहता हूँ। मैं पुटानहली से इंचारा के बगल में है मेरा शॉप। कॉन्टैक्ट डिटेल्स? मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है 7406378867। सो गाइज इसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एग्जैक्ट शॉप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन सी भी चीज़ आपको चाहिए तो इधर से ऑर्डर कर सकते हो आप। और
मेरे कस्टमर्स को पूरा कंप्लीट गाइड मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा जरूर से मिल जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइज, इस वीडियो को इधर पे एंड करते हैं। चलो शुक्रिया।